Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Medical Billing with Nikhil. तो दोस्तों मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ आ चुका हूँ. तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए. और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. और ऑल्सो अगर आपको भी कोई भी डाउट या क्वेरी है उस पर्टिकुलर चैप्टर या वीडियो को लेके तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर 11, जिसमें हमने मॉडिफायर कोडिंग के बारे में कवर किया था कि भाई मॉडिफायर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडिफाई क्या है, कॉमनली यूज कुछ मॉडिफायर हैं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, जो डिनाइल हैंडल करते हैं उनको मिलते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर मॉडिफाई के बारे में, तो वो मैंने बता रखा है. और CMS 1500 फॉर्म पर मॉडिफायर कहाँ पे बिल करते हैं वही बताया हुआ. तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्रीवियस चैप्टर देख लें. और अगर मैं इस करेंट चैप्टर की बात करूं तो दिस इज चैप्टर 12 एंड इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लेस ऑफ सर्विस कोडिंग. दैट मीन्स कि भाई जो हमारी पॉस होती है प्लेस ऑफ सर्विस, उनकी कोडिंग क्या है, कैसे बिल करते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे. तो इसमें भी हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, प्लेस ऑफ सर्विस कोड रेंज, कॉमनली यूज प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स एंड वेयर वी विल प्लेस ऑफ सर्विस इन CMS 1500 फॉर्म. सो फर्स्ट लर्न व्हाट इज प्लेस ऑफ सर्विस. सो प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स आर टू डिजिट न्यूमेरिक कोड्स प्लेस्ड ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्लेम्स. प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स ऑल्सो नोन एज POS कोड्स, राइट. एंड द प्लेस वेयर पेशेंट गेट परफॉर्म सर्विसेज इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ सर्विस, लाइक डॉक्टर्स ऑफिस, हॉस्पिटल, इमरजेंसी केयर होम एटसेट्रा. ओके, तो प्लेस ऑफ सर्विस जो हमारे कोड्स होते हैं वो टू डिजिट्स होते हैं और न्यूमेरिक कोड होते हैं, ठीक है. ये हम प्रोफेशनल क्लेम्स पे बिल करते हैं और प्लेस ऑफ सर्विस को इन शॉर्ट हम POS कोड भी बोलते हैं, मोस्टली POS. ओके, एंड ये होता है क्या है प्लेस ऑफ सर्विस, एक्चुअली जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, जहाँ पे पेशेंट का इलाज किया जाता है, उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सर्विस कोड में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर प्लेस को क्लेम फॉर्म पे बिल करते हैं. जैसे कि भाई जो हमारे प्रोफेशनल क्लेम्स होते हैं, ऑफिस क्लिनिक्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर कोड है, हॉस्पिटल है उसका एक अपना प्लेस ऑफ सर्विस कोड है, इमरजेंसी केयर है उसका अपना प्लेस ऑफ सर्विस कोड है, होम है अगर पर्सन के घर पर सर्विस दे रही है तो उसका अपना एक यूनिक कोड है, ठीक है. ओके, एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जो प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स हैं, एक्चुअली प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स डू नॉट अप्लाई व्हेन फाइलिंग द UB0 क्लेम फॉर्म, ओनली टाइप ऑफ बिल हैज बीन यूज्ड इन UB0 फॉर्म, राइट. सो जो हमारे प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स हैं ये सिर्फ प्रोफेशनल क्लेम्स पे यूज होते हैं. अगर मैं बात करूँ UB0 क्लेम फॉर्म की तो UB0 फॉर्म क्लेम फॉर्म पर ये टाइप प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स यूज नहीं होते हैं. प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स की जगह हम यूज करते हैं टाइप ऑफ बिल. तो ये आपको अभी आगे हॉस्पिटल बिलिंग चैप्टर में पता पड़ेगा टाइप ऑफ बिल के बारे में, ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ सोर्सेज की, रेफरेंस की, कि भाई ये प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स आप अपडेटेड प्लेस ऑफ सर्विस कोड कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो ये CMS की वेबसाइट है. ये मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑल प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मेन प्लेस ऑफ सर्विस कवर किए हैं जो मोस्टली यूज होती है. बाकी अगर आपको पर्टिकुलर किसी कोड के बारे में जानना है तो आप वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं प्लेस ऑफ सर्विस कोड रेंज. तो जो हमारी प्लेस ऑफ सर्विस की कोड रेंज है वो 01 से लेके 99 तक यूज होती है मेडिकल बिलिंग में, ठीक है. बिलो आर ऑल द कोड्स असाइन एंड अनअसाइन. अब इसमें 01 टू लेके 99 एक सीरीज तो दे दी हमने, कोड रेंज तो दे दी, बट इसमें सारे कोड्स प्लेस ऑफ सर्विस असाइन नहीं है. उसमें से कुछ ऐसे भी कोड्स हैं जो अभी तक अनअसाइंड है, हमने किसी भी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ सर्विस को वो कोड असाइन नहीं किया है. तो ये रही लिस्ट. सो असाइंड प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये मल्टीपल कोड्स लिखे हुए हैं, ये वो कोड्स हैं जिनको ऑलरेडी हमने एक प्लेस ऑफ सर्विस नाम दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल 11, तो 11 फॉर द क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक, जो क्लिनिक पे सर्विस लेने जाते हैं उसको हम 11 उस प्लेस ऑफ सर्विस को 11 कोडिंग में क्लेम पे बिल करते हैं, ठीक है. अभी मैं मोस्टली यूज कॉमनली यूज जो भी हमारे प्लेस ऑफ सर्विस कोड है उससे आगे नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूंगा.
और अगर मैं अनअसाइंड प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स की बात करूँ तो ये जो 28 टू 30, देन 35 टू 40 एंड देन 43 टू 48, 59, 63 टू 64, 66 टू 70, 73 टू 80, 80 टू 98, मीन्स इनके बीच के और ये जो नंबर्स हैं ये अभी किसी भी प्लेस ऑफ सर्विस को असाइन नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कल को कोई अगर न्यू प्लेस ऑफ सर्विस बनती है तो हम उसमें से कोई कोड असाइन कर सकते हैं, मीन्स एनएस, ठीक है। बाकी ये जो कोड्स हैं ये ऑलरेडी असाइंड हैं, तो इसमें से मैंने कुछ कवर किए हैं, बाकी का आपका डिटेल है तो आप सीएनएस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो दीज आर द कॉमनली यूज प्लेस ऑफ सर्विस। ओके, तो यहाँ पे पीओएस कोड्स ये दे रखे मैंने इधर 2, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 34, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोड्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। एंड ये प्लेस ऑफ सर्विस नेम है कि एक्चुअल में वो कोड किसके लिए असाइंड है, और ये कुछ डिस्क्रिप्शन है प्लेस ऑफ सर्विस की ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लेस ऑफ सर्विस कोड 2। सो दिस इज फॉर द टेली हेल्थ प्रोवाइडर अदर देन इन पेशेंट्स होम। ओके, 2 और 10 को एक साथ कवर करते हैं, एंड 10 इज फॉर द टेली हेल्थ प्रोवाइडेड इन पेशेंट्स होम। तो जो हमारे प्लेस ऑफ सर्विस को 2 है और जो 10 है, ये दोनों एक्चुअली टेली हेल्थ विजिट के लिए होती हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उससे समझ में आएगा। सो द लोकेशन वेयर हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पेशेंट इज नॉट लोकेटेड इन देयर होम। एंड फॉर द 10 देयर इज द लोकेशन वेयर हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड पेशेंट इज लोकेटेड इन देयर होम। दैट मीन्स कि ये दोनों ही कोड हमारे टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से अगर सर्विस दी जा रही है तो उसकी जगह हम उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ सर्विस के लिए यूज करते हैं। बट स्लाइट चेंज ये है कि अगर होम पे पेशेंट अपने होम पर है, घर पर है, और उसे टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस दी जा रही है, तो हम उस प्लेस ऑफ सर्विस कोड को यूज करेंगे 10। बट अगर पेशेंट घर पे नहीं है, बाहर किसी क्लिनिक हॉस्पिटल कहीं पे भी है, तो फिर हम वहाँ पे जो प्लेस ऑफ सर्विस कोड यूज करेंगे दैट इज 2 फॉर द टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ सर्विस 11। सो प्लेस ऑफ सर्विस 11 ये मोस्टली जो हमारे प्रोफेशनल क्लेम्स होते हैं, फिजिशियन बिलिंग होती है, उसमें मेनली आपको यही प्लेस ऑफ सर्विस कोड दिखेगा यूज में, दैट इज फॉर द ऑफिस, दैट मीन फिजिशियन। सो इसके डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन अदर देन अ हॉस्पिटल, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी, मिलिट्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, स्टेट और लोकल पब्लिक हेल्थ क्लिनिक और इंटरमीडिएट केयर फैसिलिटी। इन सबको छोड़ के जो एक क्लिनिक्स होते हैं वहां पे जो सर्विस दी जा रही है दैट इज फॉर द 11 प्लेस ऑफ सर्विस कोड, ठीक है। एंड वेयर द हेल्थ प्रोफेशनल रूटीनली प्रोवाइड्स हेल्थ एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस और इंजरी ऑन एन एम्बुलेटरी बेसिस, दैट मीन्स कि भाई जो क्लिनिक होते हैं वहां पे जो भी पेशेंट सर्विस लेता है तो अगर उसका क्लेम बिल हो रहा है तो उसकी जगह हम प्लेस ऑफ सर्विस 11 बिल करेंगे। अब हम बात करते हैं 12 होम। सो कंफ्यूज मत होना, होम दैट वॉज फॉर द टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट अगर पेशेंट को टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं, वन टू वन उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डॉक्टर उससे कॉन्टैक्ट कर पा रहा है, मिल पा रहा है, सो 12 दैट इज फॉर द होम, अगर पेशेंट अपने घर पे सर्विस ले रहा है प्राइवेट किसी एरिया में। सो लोकेशन अदर देन अ हॉस्पिटल और अदर फैसिलिटी वेयर द पेशेंट रिसीव्स केयर इन अ प्राइवेट रेजिडेंस, लाइक अपने प्राइवेट रेजिडेंस में सर्विस ले रहा है, ना हॉस्पिटल में है ना क्लिनिक में है, डॉक्टर खुद उसके प्राइवेट रेजिडेंस में सर्विस देने आए, सो वी विल यूज प्लेस ऑफ सर्विस कोड 12 ऑन द क्लेम। तो इनकी हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमने करेक्ट प्लेस ऑफ सर्विस बिल की है या नहीं, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर सर्विस कोड होते हैं सीपीडी कोड्स, तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि भाई ऑब्वियसली अब मैंने क्लेम बिल किया हुआ है जो हमारी प्लेस सीपीडी कोड है दैट इज फॉर द इन पेशेंट हॉस्पिटल क्लेम, कि भाई हॉस्पिटल के लिए प्लेस ऑफ सर्विस कोड बिल किया मैंने इन पेशेंट की, बट मैं प्लेस ऑफ सर्विस 11 डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दिस इज मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मैच ही नहीं कर रहा, तो हमेशा आप ये करेक्ट प्लेस ऑफ सर्विस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या प्लेस ऑफ सर्विस जानी चाहिए, जब भी डिनाइल आता है तो रिव्यू करते हैं, बाकी हमारे पास कुछ ऑलरेडी एसओपी में भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको 2, 10, 11, 12 प्लेस ऑफ सर्विस क्लियर होंगी। Now we will talk about 21 and 22. So this is for the hospital services, inpatient hospital and the outpatient hospital. That means कि 21, 22 place of service वहाँ bill करते हैं जहाँ पे service patient को hospital में दी गई हो,
21 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, दिस इज फॉर द इन पेशेंट हॉस्पिटल एंड 22 फॉर द आउट पेशेंट हॉस्पिटल। इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या होता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो आप उसको देखें, वहां से आपको समझ में आएगा व्हाट इज इन पेशेंट एंड द आउट पेशेंट। सो इन पेशेंट सिंपली द पेशेंट हु एडमिटेड इन हॉस्पिटल 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स, दैट इज फॉर द इन पेशेंट हॉस्पिटल। सो भाई हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट 24 आवर्स तक या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए एडमिट है, सो हम वहाँ की जो प्लेस ऑफ सर्विस कोड बिल करेंगे दैट इज 21। बट अगर वो 24 लेस देन 24 आवर्स से हॉस्पिटल में गया, उसने ट्रीटमेंट कराया और हॉस्पिटल से फ्री हो गया, सो वी विल यूज फॉर द 22। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट 23, सो दिस इज फॉर द इमरजेंसी रूम हॉस्पिटल, दिस इज ऑल्सो फॉर द हॉस्पिटल। बट अगर इमरजेंसी, आप लोगों को पता है कि इमरजेंसी क्या होता है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, तो अगर मैं इमरजेंसी रूम की बात करूं तो उसका, अगर इमरजेंसी रूम में पेशेंट ने सर्विस ली है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एडमिट करना पड़ा उसको हॉस्पिटल में, सो वी विल यूज प्लेस ऑफ सर्विस 23। तो 23 के अपने ही कुछ गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी सर्विसेज बदल जाती हैं इसमें, कुछ इसकी अपनी गाइडलाइंस हैं, तो वो हम अभी आगे कवर करेंगे एक्चुअल में डेनाल के साथ 23 का क्या रोल होता है। सो 23 इज फॉर द इमरजेंसी रूम। एंड इफ यू टॉक अबाउट 34, सो दिस इज फॉर द हॉस्पिस, तो जो भी पेशेंट हॉस्पिस में सर्विस लेता है, अगर हॉस्पिटल क्लेम बिल हो रहा है तो वहाँ पे हम प्लेस ऑफ सर्विस कोड यूज करते हैं 34 हॉस्पिस। जिसे नहीं पता है, अभी मैं एक इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको वहाँ से हॉस्पिस का आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑलरेडी जो लोग मेडिकल बिल में काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि हॉस्पिस क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं कि वेयर वी विल प्लेस ऑफ सर्विस इन CMS 1500 फॉर्म। सो ऑन द CMS 1500 क्लेम फॉर्म द अप्रोप्रिएट फील्ड इज 24B एज ऑन ब्लॉक। You can see this area. So box number 24 ही है, but यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J इस टाइप्स के box बना रखे हैं अलग अलग। तो अगर मैं place of service की बात करूँ, so place of service actually हम बिल करते हैं 24B में। You can see here B लिखा है place of service, तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब के साथ में हम place of service कोड यहाँ पे बिल करेंगे। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाएं, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है मेडिकल बिलिंग में, बट इसलिए वो काम करते जाते हैं, कुछ सीखते नहीं है। तो आई वो सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा भी तो आप वीडियो को देखें, थोड़ा लर्न करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सो मच।